चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर वन अभियान के तहत जवन ज्योति की पहाड़ी स्थित क्षेत्र में नगर वन में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है और इस अभियान में समाज सेवियों, अधिकारियों, पत्रकारों, शहरवासियों के द्वारा पौधारोपण किया गया है। वहीं इस पौधारोपण में सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भी पहुंची और उन्होंने जंगल को बचाने की अपील की है। वन विभाग में जहाँ पर जो है शहर का वन योजना के तहत यहाँ पर वन लगाया जा रहा है। आज जो है केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर धार पहुंची है, उन्होंने एक पेड़ भी लगाया। मैडम क्या कहेंगी, आपने एक पेड़ लगाया है और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो हम तो आदिवासी लोग हैं और हमेशा ही जल जंगल जमीन की रक्षा करते आए हैं, हमको अच्छे से पता है। और जितने जो आदिवासियों ने जो ना समझते उन लोगों ने जो ख़त्म करा है, आज आदिवासियों में जागरूकता आई है कि वन हमारे लिए कितना महत्व है, आज उसका क्या महत्व है, तो इसको समझते हुए और सरकार ने भी ये कदम उठाए हैं कि हर जगह पेड़ लगाए जाए, जहाँ पानी की व्यवस्था हो। मैंने भी सबसे यही आग्रह किया है, हमारे कलेक्टर साहब और सभी अधिकारी गण वन विभाग वगैरह सभी लगे हैं और इसको बहुत अच्छी तरीके से जो यहाँ का पहाड़ी है तो यहाँ से मैंने पूरा बताया कि इस तरीके से पानी आना चाहिए और पेड़ लगाया है तो उसकी कितनी, जैसे बच्चे की सुरक्षा हो अपन करते हैं, उसको कब कब पानी देना चाहिए, कब खाद देना चाहिए, सब करते हुए आगे जो आज हमको जो संकट दिख रहा है गर्मी से, जो आज इतना टेम्परेचर है, इससे हमको और आगे चल के हमको इससे निजात मिलेगा और आगे पर्यावरण आगे और अच्छा होगा, हरा भरा होगा, हमारा देश हरा भरा होना चाहिए, यही है। और सभी से अपील है कि सभी जीवन में हम आए हैं तो साल भर में एक पेड़ जरूर लगाए जीवन में आए हैं। तो ये थी हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, इन्होंने कहा कि सभी देशवासियों से अपील है कि एक पेड़ जरूर लगाएं। मैं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश शासन की भी एक पहल है नगर वन की और कई शहरों में ये नगर वन मिले हैं, हमारे शहर को भी ये नगर वन मिला है कि नगर वन में लगने वाले जो पौधे हैं वो एक सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत जनता की सहभागिता से लगाए जाएं। पौधों की यहाँ पे व्यवस्था है, गड्ढों की व्यवस्था हमारे वन विभाग के द्वारा की जाएगी, सुरक्षा की भी व्यवस्था, पानी देने की भी व्यवस्था रहेगी, लोगों को आकर के बस पेड़ लगाना है। तो मेरा सबसे आग्रह है कि अपने माता पिता की याद में, यदि वो नहीं हैं इस दुनिया में, आप अपने बच्चों को लेकर के आइए, पेड़ लगाइए।